का नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट टेक्सचर, या टेक्सचर ही लगा रहे थे, टेक्सचर ऑफसेट। ठीक है, अब ये वाला ब्रश है हमारे पास और इस ब्रश को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वैसे भी इसको यूज़ किया जा सकता है लेकिन एक दफ़ा ही एक ही स्ट्रोक में इसको मुकम्मल कर लेंगे तो वो ज़्यादा ठीक है। ये देखें थोड़ा ये ज़बरदस्त सा ये इफ़ेक्ट बन गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको वैसे यूज़ करना चाहें तो ये हम ब्रशेज़ में जाते हैं, ये वाला ब्रश दोबारा लेते हैं। ठीक है, और ये देखें इसको यहाँ पर हमें एक एक स्ट्रोक लगा कर लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वो इस तरह फिर ये जो स्ट्रोक्स हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ये देखें इधर से ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तो वो डार्कनेस पैदा करती हैं यहाँ पर। तो चलें, बहरहाल कोई मसला नहीं है, इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, मैं इसको इसी तरह ही चलें हम चला लेते हैं अभी। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इस ये तो ठीक हो गई हमारी बैकग्राउंड हो गई, इसके टेक्स्ट के ऊपर हमने वो लगा दी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ओपेसिटी कम करके देख लेते हैं कैसी आ रही। हाँ, ये ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है जी, इधर से ये थोड़ी सी रह गई है लेकिन कोई मसला नहीं, इतना तो चलता ही है। अच्छा, अब अगला काम हम ये करेंगे इसके साथ कि वो जो हमने सिलेक्शंस लगाई हैं उनको हम लोड करेंगे। इधर से हम एम प्रेस करते हैं और लोड सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से हम इसको पेज की सिलेक्शन को लोड कर लेते हैं। यहाँ पे फिर वही बात है, न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, और इस लेयर का नाम हम रखेंगे पेज